रुक जा भौजी, अंदर ना आवा। का भइल देवर जी, हमने के काहे रोकत आनी? काहे के सारा संपत्ति हमने दोनों भाई के हो गइल बाप, तोहरा के घर से एक फुटी कौड़ी भी ना मिली। पापा जी के गुजरते ही रउआ लोगन ने अपना रंग देखावल शुरू कर देनी। चाहे कुछ हो जाए, हम तोहरा के घर में ना रह देम। रूम में हमार सामान पड़ल बा, ला के हमारा के दे दो। तोहरा के घर से एक फुटी कौड़ी भी ना मिली, चल जो यहाँ से। ठीक बा, ए घर के हम छोड़ के चल जाए। रूम में हमारे कान्हा जी के मूर्ति पड़ल बा, ला के हमारा के दे दो। भाई सुनत, अरे रूम में पत्थर हिला के करा के दे दे। हिला अपन बेकार के पत्थर, निकले यहाँ से। चल बुची। हे कान्हा जी, हम केकरो साथे कभो गलत ना कहनी, तो हमारा साथे गलत काहे होता? सुना भक्त, तू उदास ना हो, हमारा आशीर्वाद हमेशा तोहरा साथ है बा। अरे कान्हा जी, रउआ हमारा से बात कहनी? अरे इतना पैसा, बुची ई देख बेटा, ई देख कान्हा जी तो हमने का किस्मत बदल देनी। जय श्री कृष्णा। यहाँ आसपास कोई नहीं है, ये भिखारी क्या कर देगा? अरे ये तो वही भिखारी है, इसके पास इतनी महंगी कार कैसे है? सुनिए भैया, आप वही है ना जो कुछ साल पहले रोड पर भीख मांगते थे? हाँ मैं वही हूँ। आप तो भिखारी थे, इतना अमीर कैसे हो गए? शायद तुम्हें याद होगा, तुम उस दिन एक बच्ची को झाड़ियों में फेंक कर चली गई थी। तुम्हारे जाने के बाद मैंने उस बच्ची को ले जाकर पाल पोस के बड़ा किया। ये वही बच्ची है, जब से मेरी जिंदगी में आई है मानो जैसे पैसों की बारिश हो रही है। क्या? ये मेरी बच्ची है, मुझे दे दो। पापा। तो दोस्तों, इस छोटी सी बच्ची ने सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताना।